हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑइंटमेंट के बारे में। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम जब ऑइंटमेंट को फार्मुलेट करते हैं तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट को बेसिकली यूज़ करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट द ऑइंटमेंट बेसिस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर मेहताब सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑइंटमेंट के बारे में, तो जब हम ऑइंटमेंट को अपने फॉर्मुलेट करते हैं तो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग ऐड करते हैं, लाइक ऑइंटमेंट बेस को ऐड करते हैं, अल्पेनेट्रेशन इन्हेंसर को ऐड करते हैं, स्टेबलाइजर्स को ऐड करते हैं और परफ्यूम्स को ऐड करते हैं ऑइंटमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए। अगर हम स्टेबलाइजर की बात करते हैं तो स्टेबलाइजर में हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, बफर्स यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव को यूज़ करते हैं अपने ऑइंटमेंट को ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट द ऑइंटमेंट बेसिस के बारे में, कौन कौन से बेसिस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अपने ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर हम ऑइंटमेंट बेस की बात करते हैं तो ऑइंटमेंट बेस जो हमारे हैं, ऑइंटमेंट बेस सर्व्स एज कैरियर आर वहकिल फॉर द मेडिकामेंट। तो जो भी हमारा है मेडिकामेंट है, इंग्रेडिएंट है, उसके लिए कैरियर की तरह या वहकिल की वो तरह ऑइंटमेंट बेस सर्व करता है। जब भी हम ऑइंटमेंट बेस को करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स को हम अपने कंसिड्रेशन में रखते हैं। वो लाइक हमें अपने ऑइंटमेंट से किस तरह का एक्शन डिज़ायर्ड है, उसके वो बेसिस पे हम अपने ऑइंटमेंट बेस को चूज़ करते हैं। वो जो हमारा है और वो मेडिकामेंट है, उसका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे हम अपने ऑइंटमेंट बेस को चूज़ करते हैं। और जो हमारी है मेडिकामेंट, उसमें जो हम ऑइंटमेंट बेस यूज़ कर रहे हैं वो कितना सॉल्युबल है, उसके जो है बेसिस पे भी हम अपने ऑइंटमेंट बेस को चूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द आइडियल करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑइंटमेंट बेस के बारे में, तो इसकी जो आइडियल करेक्टरिस्टिक है वो पहली है, इट शुड बी इनर्ट, ऑर्डरलेस एंड स्मूथ। तो जो भी हम ऑइंटमेंट बेस यूज कर रहे हैं वो होना चाहिए इनर्ट, होना चाहिए हमारे इंग्रेडिएंट के साथ में, जो हमारे केमिकल्स हैं उनके साथ में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसका कोई अपना ऑर्डर नहीं होना चाहिए, महक नहीं होनी चाहिए, और ये एक स्मूथ पेस्ट या स्मूथ ऑइंटमेंट फॉर्म करने चाहिए। इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल। तो जो भी हमारा ऑइंटमेंट बेस है वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए थ्रू आउट द एक्सपायरी ऑफ अवर ऑइंटमेंट। इट शुड बी कंपैटिबल विद द स्किन एंड मेडिकामेंट। तो जो भी हम ऑइंटमेंट बेस यूज कर रहे हैं वो तभी अच्छा कहलाएगा अगर वो हमारी स्किन के साथ में भी कंपैटिबल है, और जो हमारी है मेडिकामेंट अगर उनके साथ में भी कंपैटिबल है तो वो एक आइडियल ऑइंटमेंट बेस कहलाएगा। इट शुड बी वो कंसिस्टेंसी टू स्प्रेड एंड सॉफ्टन द स्किन व्हेन अप्लाइड। तो जो भी हम ऑइंटमेंट बेस यूज कर रहे हैं वो हमारी स्किन के ऊपर अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए और हमारी स्किन को सॉफ्ट करना चाहिए जब हम उसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। इट शुड नॉट प्रोड्यूस इरिटेशन और सेंसिटाइजेशन ऑफ द स्किन। तो हम जो भी ऑइंटमेंट बेस यूज़ कर रहे हैं वो हमारी स्किन के साथ में कोई इरिटेंट इफेक्ट नहीं शो करना चाहिए और हमारी स्किन के साथ में सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रेडिली रिलीज द मेडिकामेंट। तो जो भी हम ऑइंटमेंट बेस यूज़ कर रहे हैं वो जब हम अप्लाई करें तो जो भी हमारा मेडिकामेंट है उसको फास्टली रेडली वो उसके अंदर से रिलीज हो, जिससे कि हमें उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन तेजी से प्राप्त हो सके। इसकी जो अगली आइडियल प्रॉपर्टी है, इट शुड नॉट अल्टर द फंक्शनिंग ऑफ द स्किन। तो जो भी हम ऑइंटमेंट बेस यूज कर रहे हैं वो हमारी स्किन की फंक्शनिंग को चेंज नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट डिहाइड्रेट द स्किन। जो भी हम ऑइंटमेंट बेस यूज कर रहे हैं वो हमारी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं करना चाहिए, उसके अंदर के हमारी स्किन के अंदर के वाटर को रिमूव नहीं करना चाहिए, ड्राइनेस नहीं कॉज करना चाहिए। इट शुड बी नॉन ग्रीसी एंड ईजिली रिमूवेबल। तो जो भी हम ऑइंटमेंट बेस यूज कर रहे हैं उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह का होना चाहिए कि नॉन ग्रीसी टाइप का होना चाहिए और आसानी से हम उसको अपनी स्किन के ऊपर से रिमूव कर सकें, ईजिली रिमूवेबल होना चाहिए। इट शुड पजेस गुड सॉल्वेंट एंड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी। तो जो भी हमारा ऑइंटमेंट बेस है उसके अंदर एक अच्छी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए और
इमल्सीफाइंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑइंटमेंट बेस के बारे में। तो जो हमारा ऑइंटमेंट बेस है उसको हम बेसिकली चार क्लास में क्लासिफाई करते हैं। जो पहला है हमारा दैट इज द ओलियोजीनस बेसिस, दूसरा है एब्जॉर्प्शन बेसिस, तीसरा है इमल्सन बेसिस और लास्ट वन इज वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो इस वीडियो में एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द ओलियोजीनस आर हाइड्रोकार्बन बेसिस। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द ओलियोजीनस आर हाइड्रोकार्बन बेसिस के बारे में, दीज आर द सेमी सॉलिड वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। तो ये एक तरह के होते हैं जो सेमी सॉलिड और ये वाटर में इंसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन बेसिस आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द ऑइंटमेंट। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन बेसिस है वो जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे उनका एक हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जब भी हम ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो जो इसका पहला एग्जाम्पल है इसको हम कहते हैं पेट्रोलेटम या इसको हम सॉफ्ट पैराफिन भी कहते हैं। और इट इज़ ए प्यूरिफाइड मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। तो जो हमने जो हमारे हाइड्रोकार्बन जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त हुए थे जब हम उसका थोड़ा प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उस कंडीशन में हमें सॉफ्ट पैराफिन प्राप्त होती है। और देयर आर टू वराइटीज, एक है हमारा व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन और इसकी जो दूसरी वराइटी है वो कहलाता है येलो सॉफ्ट पैराफिन। तो जो हमें जो हमारा वो पेट्रोलियम है उसको जब हम करते हैं हालांकि प्यूरिफाई करते हैं तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले प्राप्त होता है येलो सॉफ्ट जो पैराफिन प्राप्त होता है और जब हम उसकी ब्लीचिंग करते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो होता है येलो कलर वो हट जाता है और फिर हमें वाइट सॉफ्ट पैराफिन प्राप्त होता है। तो अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ये 38 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन नेवर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। तो जो हमारा व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन है उसको हम ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट में यूज वो नहीं करते हैं। ऐसे ऑइंटमेंट जिनको हमें अपने आँखों में यूज करना है वहाँ पे हम इसको यूज वो नहीं करते हैं वो, क्योंकि जब हम इसकी ब्लीचिंग करते हैं तो कुछ जो हमारा ब्लीच है उसके वो ट्रेसेस हमारे ऑइंटमेंट में आ जाते हैं या हमारे बेस में आ जाते हैं और जब हम इनको अपनी आँखों पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये इरीटेशन काज कर सकते हैं, इसलिए हम व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन को ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट में नहीं यूज करते हैं। इसका जो हमारा अगला एग्जांपल है दैट इज द हार्ड पैराफिन और इसको हम पैराफिन वैक्स भी कहते हैं। इट इज़ ए प्यूरिफाइड मिक्सचर ऑफ सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये एक अगेन हम इसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द पेट्रोलेटम से हम इसको प्राप्त करते हैं और ये एक जो हमारा हाइड्रोकार्बन है या हम कह सकते हैं जो हमारा होता है सॉलिड हाइड्रोकार्बन उसका एक प्यूरिफाइड मिक्सचर ये होता है। अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इट इज़ वो कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस एंड वैक्स लाइक सब्सटेंस। तो ये इसका कोई भी वो कलर नहीं होता, ये एक तरह का होता है कलरलेस ऑर्डरलेस होता है टेस्टलेस होता है और इसकी वैक्स लाइक इसकी कंसिस्टेंसी होती है या वैक्स लाइक सब्सटेंस हार्ड पैराफिन होता है। उसके बाद इसका जो अगला एग्जाम्पल है दैट इज द लिक्विड पैराफिन, इट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें जो हमारा है हमारा पेट्रोलियम उसका जब हम करते हैं डिस्टिलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में हमें लिक्विड हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है और लिक्विड पैराफिन लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर होता है। इट इज वो कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट, ये होता है कलरलेस होता है ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है और एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह होता है। द ऑयली लिक्विड इट इज सॉल्युबल इन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये जो है हमारा लिक्विड वो पैराफिन है ये हमारे ईथर में और क्लोरोफॉर्म में तो सॉल्युबल होता है बट इट इज इनसॉल्युबल इन द वाटर एंड एल्कोहल, ये वाटर और एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। इसको हम लोग अक्सर यूज करते हैं वो कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं विद हार्ड जो हमारा पैराफिन है उसके साथ में या जो हमारी सॉफ्ट पैराफिन है उसके साथ में हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं
एक डिजायर्ड कंसिस्टेंसी प्राप्त करने के लिए हमारे ऑइंटमेंट में, जो हमारे ऑइंटमेंट का होता है गाढ़ापन, उसको प्राप्त करने के लिए हम एक ये आप कह सकते हैं इसको हार्ड पैराफिन और सॉफ्ट पैराफिन के साथ में कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। जो हमारा अगला बेस है दैट इज द एब्जॉर्प्शन बेस, तो अगर इसकी हम बात करते हैं, दीज आर द हाइड्रोफिलिक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये एक हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है, वाटर लविंग, तो ये एक हाइड्रोफिलिक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का। ये होता है एनहाइड्रस इन द नेचर एंड डू नॉट कंटेन वाटर इन देयर बेसिक फार्मूला। तो इसमें ये आप कह सकते हैं कि एनहाइड्रस होता है इन द नेचर और इनका जो बेसिक फार्मूला है उसमें कहीं पे भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि हम जब इसको इसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो ये एक कंसिडरेबल क्वांटिटी वाटर की अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और एक वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन फॉर्म करता है। और जब ये फॉर्म करता है, इमल्सन फॉर्म करता है, या इसमें हम जब वाटर को ऐड करते हैं तो उसके बाद भी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रिटेन रहती है एज द सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में ये रिटेन रहता है। मींस अगर हम इसमें वाटर को भी ऐड करते हैं तो ये काफ़ी पतला नहीं होता है, लिक्विड की कंसिस्टेंसी में नहीं आता है, ये अपनी जो इसकी है कंसिस्टेंसी मतलब सेमी सॉलिड की उसी में ये अपने आप को रिटेन रखता है भले ही ये वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बेसिस के बारे में, तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है हमारा नॉन इमल्सिफाइड बेसिस और दूसरा है वाटर इन ऑयल इमल्सन्स। तो अगर हम बात करते हैं नॉन इमल्सिफाइड बेसिस के बारे में तो ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और एक्वस अगर है हमारा सोल्यूशन उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन ये प्रोड्यूस करते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम वूल फैट यूज़ करते हैं, वूल एल्कोहल यूज़ करते हैं, बीज वैक्स को यूज़ करते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करते हैं एज ए नॉन इमल्सिफाई बेसिस के रूप में। और अगर हम बात करते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सन की, तो इसका इसमें क्या होता है, इनके अंदर भी इस चीज़ की कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हाइड्रस वूल फैट को यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लैनोलिन भी। तो इनके एग्जांपल के बारे में हम लोग जो इसमें बात कर लेते हैं, जो पहला एग्जांपल है दैट इज़ द वूल फैट। ये क्या होता है, इट इज़ द प्यूरिफाइड फैट लाइक सब्सटेंस ऑब्टेंड फ्रॉम द वूल ऑफ द शीप। तो जो हमारी भेड़ होती हैं वो जिनसे हमें वूल प्राप्त होता है, शीप्स होती हैं उनके वूल से हमें ये प्राप्त होते हैं और ये एक होते हैं प्यूरिफाइड फैट लाइक सब्सटेंस होते हैं। और वो दीज आर आल्सो नोन एज एनहाइड्रस वो लैनोलिन, हम इनको कहते हैं एनहाइड्रस वो लैनोलिन। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये है हमारा हाइड्रस वूल फैट इसलिए हम इसको कहते हैं वो लैनोलिन, और ये है हमारा एनहाइड्रस वो लैनोलिन। तो जो हमारा वूल फैट है इसको हम लोग कह सकते हैं एनहाइड्रस वो लैनोलिन। इट कैन एब्जॉर्ब अबाउट 50% ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर। तो ये अपने वेट का 50% वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है वो, लाइक अगर हम इसका लेते हैं 100 ग्राम तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिंपल ऑइंटमेंट और आई ऑइंटमेंट का, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इस बेस को हम अधिकतर आप कह सकते हैं वो सिंपल ऑइंटमेंट अगर प्रिपेयर कर रहे हैं या आई ऑइंटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं एज ए बेस। उसके बाद जो हमारा अगला एग्जाम्पल है दैट इज़ द हाइड्रस वूल फैट, इट इज़ द वो प्यूरिफाइड फैट लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल ऑफ द शीप। तो ये अगेन जो हमारी वो भेड़ होती हैं, शीप होती हैं, उनके वूल से हम इनको ऑब्टेन्ड करते हैं और ये एक होता है प्यूरिफाइड फैट लाइक सब्सटेंस होते हैं, बट ये होते हैं हाइड्रस होते हैं एंड इट इज़ नोन एज लैनोलिन, इनको हम लोग कहते हैं वो लैनोलिन कहते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 70% वेट बाई वेट वूल फैट इसके अंदर होता है और 30% वेट बाई वेट इसके अंदर प्यूरिफाइड वाटर होता है।
इट इज यूज्ड अलोन एज द इमोलियंट की तरह हम इसको यूज करते हैं अकेले, या हम इसको यूज करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ द सेवरल ऑइंटमेंट, और जो हमारे ऑइंटमेंट है उसमें हम इंग्रेडिएंट की वो तरह भी हाइड्रस वूल फैट को यूज करते हैं। जो हमारा अगला है दैट इज द वूल एल्कोहल, इट इज ऑब्टेन्ड बाई एल्कलाइट ट्रीटमेंट ऑफ द वूल फैट। तो जो हमारा वूल फैट था उसका जब हम करते हैं एल्कलाइट ट्रीटमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें वूल एल्कोहल प्राप्त होता है, और इस कंडीशन में हम लोग जब एल्कलाइट ट्रीटमेंट करते हैं तो हम जो हमारा फ्रैक्शन है वो जिसमें रहता है कोलेस्ट्रॉल रहता है और एल्कोहल रहता है उसको हम उससे जो है अलग करते हैं और हम वूल एल्कोहल को वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। इट वुड कंटेन नॉट लेस देन 30% ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इसमें 30% से वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर 30% से और वो कम कोलेस्ट्रॉल है तो वो एक जो अच्छा वूल एल्कोहल नहीं कहलाता। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द वूल एल्कोहल की, तो इट इज यूज टू इम्प्रूव टेक्सचर स्टेबिलिटी इमोलियंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल इन वाटर, इमल्सन के स्टेबिलिटी को, उसके टेक्सचर को और उसकी इमोलियंट प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम वूल एल्कोहल को यूज करते हैं। इसका जो अगला एग्जाम्पल है वो दैट इज द बीज वैक्स, इट इज द प्यूरिफाइड वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम द हनी कॉम ऑफ द बीज। तो जो हमारे होते हैं हर मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उनसे हम जो है इसको प्यूरिफाई करके हम बीज वैक्स को प्राप्त करते हैं। इट इज अवेलेबल एज येलो बीज वैक्स आर व्हाइट बीज वैक्स की तरह ये हमें प्राप्त होता है। तो जो हमारा होता है येलो बीज वैक्स उसको जब हम उसकी ब्लीचिंग करते हैं तो हमें व्हाइट बीज वैक्स प्राप्त होता है। इट इज यूज्ड एज ए स्टफिंग एजेंट इन द ऑइंटमेंट एंड क्रीम। तो इसको हम स्टफिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं अपने ऑइंटमेंट में और क्रीम में, मीन्स उसको उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसको हल्का सा गाढ़ा करने के लिए हम बीज वैक्स को यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला बेस है दैट इज द इमल्सन बेस, इट इज द सेमी सॉलिड आर क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी बोथ ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, इमल्सन्स आर यूज्ड एज ऑइंटमेंट बेस। तो ये एक होते हैं सेमी सॉलिड या क्रीम लाइक की इसकी कंसिस्टेंसी होती है, और ये ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल दोनों प्रकार के इमल्सन में बेस की तरह यूज होते हैं या ऑइंटमेंट बेस की तरह हम इनको यूज करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाई इमल्सिफाइंग वैक्स वाइट सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन को यूज करके हम जो है इमल्सन बेस को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम वो तीन चीज़ें यूज कर रहे हैं, एक है हमारा इमल्सिफाइंग वैक्स वाइट सॉफ्ट पैराफिन को यूज़ कर रहे हैं, और लिक्विड पैराफिन को हम यूज़ करते हैं जब हमें इमल्सन बेस को प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद जो हमारा अंतिम है दैट इज द वाटर सॉल्युबल बेसिस, दे आर कॉमनली नोन एज ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस। तो ये हमारे इनको हम कह सकते हैं कि ये होते हैं ग्रीस लेस ऑइंटमेंट बेस होते हैं, और ये एक वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। दे कंटेन वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट लाइक पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल पॉलीमर इनके अंदर होता है, एंड वो दे आर पॉपुलर एंड नोन एज कार्ब वैक्स। तो अगर इसके पॉपुलर नेम की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं कार्बो वैक्सेस भी कहते हैं, और इसके अंदर वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट होते हैं, और वो इंग्रेडिएंट क्या है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, इसके अंदर पॉलीमर्स होते हैं, और अगर इनके हम बात करते हैं तो ये एक ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस होते हैं। मतलब इनके जो आप यूज करते हैं ग्रीस यूज करते हैं उस तरह का इनका स्ट्रक्चर वो नहीं होता है, और ये एक तरह से होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं जिससे कि आसानी से ये हम स्किन से जब इसको आसानी से स्किन से इसको हम रिमूव कर सकते हैं, अगर हम इसको अपने हाथ को वाटर से साफ करते हैं तो आसानी से ये रिमूव भी हो जाते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन द मॉलिकुलर वेट, जो हमारे वो कार्बोवैक्स हैं वो अवेलेबल होते हैं लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, या
हालांकि सॉलिड की कंसिस्टेंसी में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर इसके हम बात करते हैं मॉलिकुलर वेट की, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 200 से 8000 के बीच में इसका मॉलिकुलर वेट होता है। तो जितना ज़्यादा हमारा मॉलिकुलर वेट होगा उतनी ही जो है हाई कंसिस्टेंसी होती जाएगी, और ये हमें वो लिक्विड फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, हालांकि सेमी सॉलिड फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, और ये हमें सॉलिड फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो ये जिसमें हम यूज करते हैं ट्राइग्लिकैन को हम यूज करते हैं, वो जिलेटिन को, पेक्टिन को यूज करते हैं, बेंटोनाइट को यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सोडियम एल्जिनेट को यूज करते हैं, और काफ़ी सारे होते हैं हमारे सेलुलोज के वो डेरिवेटिव्स होते हैं जिनको हम अधिकतर यूज करते हैं एज ए कार्बोवैक्सेस आर वाटर सॉल्युबल बेस की तरह हम यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर ऑइंटमेंट बेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।